नमस्कार, मैं हूं करमजीत सिंह जगी। न्यूज़ बाइस्कोप में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्य के गजापाप राज्य मंत्री, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य। हम इनसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं झारखंड में आपकी सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और आप लोग कह रहे हैं कि काम की वजह से आप लोग को वोट मिलेगा, तो झारखंड में आप क्या सकते हैं कि क्या मतलब कितना परसेंटेज सीट आप लोग जीतेंगे झारखंड में? झारखंड में जब यहाँ डबल इंजन की सरकार थी और 2019 में झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन को जनादेश दिया, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ जो सरकार बना, और उसके बाद झारखंड की जनताओं के लिए यहाँ जो क्रांतिकारी कदम हेमंत सोरेन जी ने जो उठाया, वो चाहे यहाँ के महिलाओं को लेकर के हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, वो चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया, और उससे घबरा करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश किया और साजिश करके उसको एक मनगढ़ंत कहानी बना करके उसको फंसाया गया और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको जेल में डाला गया, जिसके कारण पूरे राज्य के अंदर में बहुत जनता में भारी आक्रोश है और उसका प्रतिफल ये आगामी जो ये जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें देखने को आपको मिलेगा। झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का प्रचंड जीत होगा और भारतीय जनता पार्टी झारखंड से सफाया हो जाएगा। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में 10 साल के शासनकाल में आपने देखा कि किस तरह से मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ केंद्र सरकार ने भेदभाव किया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। देश की आज़ादी के बाद हमको लगता है किसानों का आंदोलन, लंबा आंदोलन चला, कम से कम 700 किसानों को पुलिस के गोलियों से भून दिया गया, और इसके बाद मोदी जी को निर्णय लेना पड़ा काला कानून को वापस करने का। आज वो सीन देश की जनता के सामने है और पूरे देश की जनता का जो मूड है, जिस तरह का प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में जो वोट हुआ और उसके बाद जो रुझाने आ रही है, और अब देख रहे हैं किस तरह से हमारे देश के जो PM है और देश के हमारे जो गृह मंत्री का भाषा बदल गया है, इतना उसका नीचे स्तर चला गया है, एक पद का गरिमा को भी लोग जो है ना एक धूमिल कर रहा है, और एक इशू को लेकर के देश का जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, वो चाहे विकास हो, चाहे गरीबी हो, उस पर बात नहीं करके वो कॉमनल इशू को लोग खड़ा कर रहे हैं। यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक ये लोग नीचे आ गया है, इससे लग रहा है कि ये लोग हताश हो गए हैं और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लगता है इस बार सफाया होगा देश से। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इनका कहना है कि साफ तौर पर जिस पर किसानों को छला गया, आम नौजवानों को छला गया, उसको देखते हुए इस बार जो है जो पूरी जनता है इस बार जो है इंडिया गठबंधन को वोट देगी। तो इस वक्त रामगढ़ से मैं करमजीत सिंह जग्गी, न्यूज़ बाइस्कोप रामगढ़। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट।